तो कैसे हैं दोस्तों आप सब। मैं हूं आपका दोस्त विनय और स्वागत करता हूं इस वीडियो सीरीज में, जहां पे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन पर। इस वीडियो में हम लोग डेजी चेनिंग टेक्निक जानेंगे किस तरीके से काम करता है। बहुत ही सिंपल है। देखिए, इस तरीके से हम लोग के पास डिवाइसेज है, अलग अलग डिवाइसेज है। अपना मेन इशू क्या है, अपने को प्रायोरिटी बेस्ड इंटरप्ट की हैंडलिंग करना है। किस तरीके से होती होगी हैंडलिंग, ये अपन देखते हैं। अब देखिए, इंटरप्ट जब भी आएगा सीपीयू के पास तो किस लाइन से आएगा, इस लाइन से आएगा और इंटरप्ट रिक्वेस्ट करेगा सबसे पहले सीपीयू को। ठीक है, तो मान लीजिए किस तरीके से काम होगा। देखिए, मान लीजिए ये मेरे पास डिवाइस 1 है, डिवाइस 2 है, डिवाइस 3 है। ये उसके वेक्टर एड्रेस है। वेक्टर एड्रेस का मतलब ऐसा एड्रेस जहां पे अपने को इंटरप्ट सर्विस रूटीन मिल जाएगा। इसका मतलब अपने को सॉल्यूशन मिल जाएगा, उस पर्टिकुलर इंटरप्ट की हैंडलिंग हो जाएगी। ये ऐसा एड्रेस है जिससे अपने को क्या हो जाएगा, इंटरप्ट सर्विस रूटीन मिलेगा, जिससे अपनी इंटरप्ट की हैंडलिंग हो जाएगी। तो इन डिवाइसेस में से कोई ना कोई इंटरप्ट भेज रहा होगा। अब सीपीयू को कैसे पता चलेगा कि कौन सा डिवाइस को अपने को हैंडल करना है, तो क्या होगा, सबसे पहले इनमें से मान लीजिए ये वाला डिवाइस अपने को क्या भेज रहा है, इंटरप्ट रिक्वेस्ट भेज रहा है। तो ये यहां पर से क्या भेजेगा, इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। इस तरीके से इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट भेजा, ये वाला जो बिट है वो 1 से सेट हुआ। ठीक है, अब अगर ये 1 से सेट हुआ, अगर ये बोला कि हां भाई मैंने ही आपको इंटरप्ट भेजा था, तो यहां पर से क्या होगा, वेक्टर एड्रेस जनरेट करके ये सीपीयू को दे देगा। अगर मान लो ये बोलता है कि मैंने तो इंटरप्ट नहीं भेजा, तो ये क्या करेगा, इस 1 को शिफ्ट कर देगा यहां पे। अब ये इनपुट किसके लिए हो जाएगा, डिवाइस 2 के लिए। अब डिवाइस 2 से पूछा जाएगा क्या आपने इंटरप्ट भेजा था, अगर ये बोलता है हां, तो यहां पर से वेक्टर एड्रेस जनरेट होगा जो कि अपने सीपीयू को मिल जाएगा और इंटरप्ट की वहां पे हैंडलिंग हो जाएगी। अब फिर से वही, अगर ये बोलता है नहीं, तो फिर से ये आगे बढ़ जाएगा और इस तरीके से सीपीयू को पता चलता है कि हां भाई कौन सा डिवाइस मेरा इंटरप्ट भेजा और किसकी अपने को हैंडलिंग करनी है, किसको अपने को इंटरप्ट सबरूटीन पकड़ाना है। ठीक है, आपको आईडी समझ में, बहुत शानदार। अब डेजी चेनिंग प्रोसेस में ओनली इन डेजी चेनिंग डिवाइस विच इज नियरेस्ट टू सीपीयू इलेक्ट्रिकली विल गेट द हाईएस्ट प्रायोरिटी। तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी उस डिवाइस को मिलती है जो कि अपने सीपीयू से सबसे पास में है। जैसे कि अगर मैं बात करूं अपने रियल कंप्यूटर सिस्टम में, तो हार्ड डिस्क की जो प्रायोरिटी है वो सबसे ज्यादा, हार्ड डिस्क को अपन क्या करते हैं, ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो ये वही चीज लिखा हुआ है, जो सीपीयू से सबसे पास होता है उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, बहुत शानदार। अब इसमें अपन देखते हैं कि अपने को कितना टाइम लगेगा इंटरप्ट को सर्विस देने में। अब यहां पे अपन देखते हैं टाइम कितना लगेगा अपने को इंटरप्ट आयो के केस में। तो आप खुद ही सोच के देखें, सर्विस टाइम अपने को लगेगा, जो भी अपने को इंटरप्ट को सर्विस देने में जो टाइम लगे वो तो लगना ही है। साथ ही साथ क्या अपना इंटरप्ट आते के साथ ही सीपीयू इंटरप्ट के पीछे पड़ जाता है क्या? नहीं भाई, वो अपने करंट एग्जीक्यूशन को एग्जीक्यूट कर पाता है। उसके बाद फिर जो भी अपने स्टेटस है, करंट एग्जीक्यूशन के स्टेटस को सेव करता है स्टैक में, और भी बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म करता है बिफोर गोइंग टू इंटरप्ट। ठीक है, उसको अपन एक कॉमन नाम दे देते हैं, ओवरहेड टाइम, इंटरप्ट ओवरहेड टाइम। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन में अगर आपको इन दोनों में से हो सकता है दोनों दे दे, दोनों देगा तो दोनों को ऐड करना है। इन दोनों में से अगर एक देगा तो अगले वाले को अपने को बाय डिफॉल्ट जीरो मान के चलना है। मान लीजिए ये दिया आपको क्वेश्चन में, तो इसको जीरो मानना है, ये दिया क्वेश्चन में तो इसको जीरो मानना है। आपको एडिशन में, बहुत शानदार। अब जल्दी से एक गेट एग्जाम का क्वेश्चन देख लेते हैं। अ डिवाइस विथ डेटा ट्रांसफर रेट, अपने को डेटा ट्रांसफर रेट देके रखा है, इज कनेक्टेड टू अ सीपीयू, डेटा इज ट्रांसफर्ड बाइट वाइज ट्रांसफर हो रहा है डेटा का, लेट द इंटरप्ट ओवरहेड अपने को देके रखा है 4 माइक्रोसेकंड, द बाइट ट्रांसफर टाइम बिटवीन द डिवाइस इंटरफेस रजिस्टर एंड सीपीयू और मेमोरी इज नेग्लिजिबल, जो कि मैं आपको बता रहा था। ठीक है, व्हाट इज द मिनिमम परफॉर्मेंस गेन अपने को निकालना है ऑफ ऑपरेटिंग द डिवाइस अंडर इंटरप्ट मोड ओवर ऑपरेटिंग इट अंडर प्रोग्राम कंट्रोल्ड मोड। ठीक है, तो आपको किस तरीके से काम करना है, अगर आपको परफॉर्मेंस गेन या फिर स्पीड अप कभी भी इस तरीके से निकालने बोलता है, तो हर बार अपने को क्या करना होता है, जो भी स्लोअर टेक्निक टाइम है डिवाइड कर दो उसको फास्टर टेक्निक टाइम के साथ। ठीक है, आपको क्या मिल जाएगा, परफॉर्मेंस गेन मिल जाएगा या फिर स्पीड अप मिल जाएगा। ठीक है, तो दोनों में से स्लोअर कौन है भैया, ऑब्वियसली अपने को पता है प्रोग्राम्ड आयो वाला जो पहला वाला था अपना वो स्लोअर है और इंटरप्ट आयो टाइम जो है वो फास्टर एग्जीक्यूशन करवाता है। तो अपने को क्वेश्चन में क्या देके रखा है, 10 KB अपन भेज रहे हैं 1 सेकंड में। देखो यहां पे लिखा हुआ था 10 KB per second। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा 10 KB per second। तो एक बाइट अपन कितने देर में भेज पाएंगे, इतने माइक्रो सेकंड में भेज पाएंगे। तो ये जो टाइम है प्रोग्राम आयो में कितना टाइम लगता है, जो भी डेट सबसे पहले वहां पे अपन चेक करते हैं और उसका डेटा ट्रांसफर टाइम लगता है। ठीक है, डेटा ट्रांसफर टाइम अपने को नहीं दिया हुआ है, उसको नेग्लिजिबल मानने बोल रहा है, इसलिए इसको अपन जीरो मान लिए।
और उसके बाद फिर स्टेटस को चेक करने में कितना टाइम लगा। तो जितना टाइम आपको एक बाइट डेटा रीड करने में टाइम लगेगा, वही टाइम अपने को क्या लगेगा, किसी भी चीज़ के स्टेटस को चेक करने में लगेगा। ठीक है, अपने को पता है प्रोग्राम्ड आयो के केस में क्या होता है। प्रोग्राम्ड आयो के केस में सबसे पहले सीपीयू फ्लैग रजिस्टर मांगता है, फ्लैग रजिस्टर के अंदर फ्लैग बिट को देखता है, तो वो चेक करने में टाइम लगता है ना, वही टाइम है ये। तो वो कैसे निकालेंगे, एक बाइट ऑफ डेटा को रीड करने में जितना टाइम लगता है वही है ये। ठीक है, तो वो अपन निकाल लिए 100। ठीक है, और इसको अपने को नेगलेक्ट करने बोला है, डिवाइडेड बाय यहां पे अपने को इंटरप्ट ओवरहेड दे दिया है। इंटरप्ट ओवरहेड दे दिया मतलब ये वाला टाइम अपने को दे दिया है जो मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, तो इसको अपने को 0 मानना है, सर्विस टाइम को 0 मान लिया और ये हो गया 4। तो 100 बाय 4 कितना हो जाएगा, 25। 25 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मेरे हिसाब से आपको आइडिया समझ में आया होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखता हूं, मिलता हूं अपने अगले वीडियो में और नए कांसेप्ट के साथ। थैंक यू।